अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम मुनीब ताहिर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि यार यूनिवर्सिटी को कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब अगर आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली और नहीं की तो वीडियो जाके देख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपने वीडियो जो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है और अगर वो UET मर्दान है तो ये जानना भी ज़रूरी है कि यार खर्चा कितना होगा, फीस कितनी है भाई, बाकी सीन क्या है। तो इस वीडियो में जो है मैं सारी बातों को क्लियर करूंगा, छोटे से छोटे खर्चे से लेके जो है ना बड़े से बड़ा खर्चा सब कुछ मैंने कवर करने की कोशिश की है, ताकि जितने पैसे मैं आपको बताऊं उससे आपको एक चवानी ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं देनी पड़ेगी। करना आपको सिर्फ ये है कि वीडियो को स्टार्ट से आखिर तक देखना है और जो है मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा और आपको समझ आ जाएगी कि आप कितना बिल्कुल एग्जैक्टली गेस कर लोगे कि यार आपका इतना खर्चा हो। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी ताखीर के। तो यार सबसे पहले जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं उसकी जो है ना सेमेस्टर फीस होती है, एडमिशन फीस होती है, वो डिपेंड करती है कि आप सेल्फ पे जा रहे हैं या आप मेरिट पे जा रहे हैं। जिस तरह नस्ट में ये आके जो है आपकी फीस जो होती है वो एक ही होती है, आप जिस तरह में जाए उधर तो मेरिट ही होता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास दो मेरिट लिस्ट बनती हैं। जब आप ईटा का टेस्ट देते हैं, आपने UET में जाना होता है तो आपकी दो मेरिट लिस्ट बनती हैं। एक जो है आपकी होती है सेल्फ वाली मेरिट लिस्ट, एक होती है मेरिट वाली, ठीक है। अब सेल्फ पे ये है कि उसकी भी मेरिट लिस्ट होती है, वो भी अलग से बनती है। खैर इसमें किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार कितना कॉस्ट करता है। तो अगर तो आप सेल्फ पे जा रहे हैं तो आप जो है लेटेस्ट फीस जो है वेबसाइट पर मैं लिंक जो है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने जाके देख लेना कि जो है कितनी फीस है, ठीक है। तो क्योंकि वो हर साल जो है ना वो रिपीट करते हैं उसको, अभी तक इस साल का शेड्यूल नहीं आया तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि आपकी फ़ीस कितनी होगी, ठीक है। लेकिन आई इतना बता सकता हूँ कि 1 लाख टू 1,15,000 के जो है दरमियान ये लाया करेगी। और अगर आपका एडमिशन मेरिट पे हो रहा है तो मेरिट पर जो है आपकी फ़ीस जो है वो 40,000 से 45,000 के दरमियान जो है वो लाया करेगी, ठीक है। उसके अलावा आपकी एडमिशन फ़ीस जो है वो 6 से 10,000 हो सकती है, ठीक है। हमने अपने टाइम में 6,000 दी थी सिर्फ अपनी एडमिशन फीस, और जो है वो जूनियर्स जो लास्ट ईयर थी वो थी शायद 7,300 थी, ऐसी कुछ थी। खैर आप अपने माइंड में ये रखेंगे फर्स्ट टाइम आपको देना पड़ता है जो खर्चा, ठीक है, वो होता है तकरीबन 60,000 कह रहा हूँ, ठीक है, इंक्लूडिंग हॉस्टल, सही है। हॉस्टल का ये है कि 10,600 रुपीज़ पर सेमेस्टर लेते हैं, ठीक है, ये सेमेस्टर की बात हो रही है। सेमेस्टर होता है आपका 6 मंथ्स का, ठीक है। 6 मंथ के लिए मतलब ये आप ये पैसे देंगे 6 मंथ के लिए, आप बेगम हैं, आपको कोई फीस वगैरह या कोई आपको हॉस्टल से नहीं निकालेगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है, रहने वगैरह की कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये सारा खर्चा मिला के जो है आप अपने माइंड में रखेंगे 60,000 रुपीज़ आपको स्टार्ट में देने हैं हॉस्टल को मिला के। आई एम अगेन रिपीटिंग, हॉस्टल को मिला के ये सारा खर्चा बनता है अराउंड अबाउट 60,000। इसके अंदर से कुछ 100-200 के आप जो है वो फॉर्म वगैरह भी लेंगे तो सारा इतना बन जाएगा, 1-2,000 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 60,000 तो है ही है, ये तो देना ही देना है, ठीक है। अब हम अगर आते हैं कि यार पर मंथ कितना खर्चा होता है। अब जाहिर है बंदा हॉस्टल जा रहा है, खाया भी है तो सही, तो हॉस्टल में कितना खर्चा होता है, ठीक है। हॉस्टल में यार ये है कि आपकी टोटली डिपेंड करता है कि आपकी क्या रूटीन है, आप क्या खाते पीते हो और आप जो है कितना प्रेफर करते हो, क्या चीज़ प्रेफरेबल है। आप जो है ना 5,000 में वो वीक भी गुजार सकते हो और 5,000 को एक दिन में भी उड़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि यार अगर आप सिर्फ एसेंशियल्स अपने पूरे करो, सही है, तो आपके कितने पैसे बनेंगे उसके फिर आप हिसाब से अपना हिसाब लगा सकेंगे कि यार आप क्या है। तो आप अगर नॉर्मल जो है अगर मेस ऑन है, ठीक है, अब इसमें दो खर्चे होते हैं आपके, एक जो आपकी पॉकेट मनी होती है उसका, एक जो है आपका जो है जो होता है मेस का खर्चा उसका होता है। अगर मेस ऑन है मेस के आपके 10 डेज का बिल बनता है और आप वो देते हो। आज की डेट तक, आज 5 जुलाई है, तो आज तक जो है जो हिसाब था उसके हिसाब से हम लोग 235 रुपीज़ पर डे के हिसाब से हम लोग देते हैं मेस बिल, तो वो 10 डेज का जो है बन जाता है कुछ 2,300-400 या नहीं ज़्यादा बनता है। खैर अभी अगर उसको आप हिसाब लगाएं कि यार अब मंथली कितना जो है बनता है मेस बिल जो है यार वो मंथली बन जाता है तकरीबन 7,050, ठीक है। तो आप 7,000 जो है कम अज़ कम जहन में रखें, इससे ज़्यादा होगा यार कम होना है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके हिसाब से नहीं लग रहा कि कम होगा। तो 7,000 रुपीज़ पर मंथ आपको देने पड़ेंगे मेस को। अच्छा उसके अलावा आपके डेली का अपना खर्चा है, ठीक है,
तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि यार आप अपना बजट किस तरह से सेट कर रहे हो, किस तरह से बना रहे हो आप अपना बजट देख के। तो अगर आप मतलब नॉर्मल कर रहे हो ना, तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाके खाना खा रहे हो, सही है, फॉर एग्जाम्पल नाश्ता। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि मेस में जो है वो आपको दो टाइम का खाना मिलता है, एक लंच मिलता है और एक डिनर मिलता है। नाश्ते का आपने इंतजाम खुद करना है। हम तो अक्सर इस तरह करते होते हैं जो है नाश्ता करने की जरूरत ही नहीं होती, बस जाते हैं क्लास ली तो इतने में मेस का टाइम हो जाता है तो मेस आ जाता है। लेकिन ये कि अगर आपने नाश्ता करना है तो 70, 80, 90, 100 इतने का नाश्ता तो होगा ही होगा ना, इससे ज़्यादा का हो सकता है, 100 से कम का तो नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यार दिन में रखा कि 150 अगर मेस ऑन है, खाना पीना तो उधर से हो रहा है, अब स्नैक्स वगैरह एक्स्ट्रा करने या सुबह अगर चाय पीनी है तो 150 रुपीज़ अगर आप, बहुत कम है ये, ठीक है, इतने में बस ये बिल्कुल एसेंशियल है कि इतने में हो जाता है गुजारा। तो 150 रुपीज़ अगर आप जो है वो कंसिडर करो पर डे 150 रुपीज़, तो आपके 4500 ये बन जाएंगे। इस हिसाब से अगर आप मंथली खर्चा देखो खाने पीने का मेस को मिला के, तो वो कितना बनता है, 11,500। तो मतलब आप जहन में रखो कि 12,000 में मेस मिला के खाना पीना सब डन, ठीक है। सेमेस्टर की तो आप फीस दे के बेगम हुए होते हो ना, फिर आपने देखना होता है कि पर मंथ खर्चा कितना हो रहा है। तो पर मंथ आप जहन में कम अज़ कम जो हमारे सीनियर्स ने हमें बताया था वो 7,000 था, और वाकई 7,000 में इजीली गुजारा हो जाता था। बट अब आप मुल्क के हालात देख लें तो इस वक्त जो है वो मैं आपको कहूँगा कि 12,000 कम अज़ कम सिर्फ एसेंशियल था, इसमें कोई अयाशी वगैरह नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जो है आपकी पॉकेट मनी फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करते हो कि 300 पर डे, ठीक है, तो आप मेस का लंच और डिनर के अलावा 300 पर डे अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, फिर आपका खर्चा बनेगा ऑलमोस्ट 17,000 अगर मेस ऑन है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मेस ऑफ रखते हैं, वो आई एम नॉट श्योर कि अगर आप सारा कुछ अपना बनाओ, बहुत कम, लेकिन इस तरह होता है कि अपना यार इतनी खप होती है, कौन पढ़े भी हो फिर खाना भी बनाए, तो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं कि जो इस तरह करते हैं। लेकिन ये है कि कुछ करते हैं, अगर आप जो है चाहते हो तो ज़रूर करो। किचन जो है हॉस्टल में आपको अलाउड है कि आप जा सकते हो, गैस यूज़ कर सकते हो और चीज़ें आपकी अपनी होंगी। फिर हम लोग देखते हैं कि यार मेस अगर ऑफ हो तो फिर कितना खर्चा होता है, वो भी टोटली डिपेंड करता है कि यार आप कितना किस तरह का खाना खा रहे हो, कैसा खा रहे हो। तो यार 4-5 दोस्त इकट्ठे हो गए जब खाना खाते हैं ना, तो अच्छा खाना खाओ अगर मतलब, तो 150 मिनिमम, ठीक है, जहन में रखो आप 150 रुपीज़ एक खाने के बनते हैं। तो अगर दिन में आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं, ठीक है, 150 प्लस 150 प्लस 150, 450 पर डे, और आपका जो है ये बन जाएगा मंथली बन जाएगा आपका 13,500। तो फॉर एग्जांपल अगर 14,000 ये बन गया प्लस आपका जो है पॉकेट मनी, ठीक है, खाने के अलावा भी पॉकेट मनी तो आप दोगे, इतने शरीफ तो आप हो नहीं कि बाबा को नहीं भाई बस मैंने खा लिया है अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नहीं, पॉकेट मनी तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो पॉकेट मनी भी अगर चाहिए आपको तो वो आप फिर खुद हिसाब लगा लें, ऐड कर लें अपनी पॉकेट मनी को भी उसमें। फिर अगर आपकी पॉकेट मनी फॉर एग्जांपल 200 है तो टोटल मिला के आपका 19,500 रुपीज़ जो है आपका खर्चा बन जाएगा। तो यू कैन कीप इन माइंड 20,000। तो इफ मेस ऑन है तो आपका मंथली खर्चा 17,000, अगर ऑफ है तो 20,000। ये सिर्फ एसेंशियल्स हैं, अगर आप नॉर्मल खा पी रहे हो और चाय वगैरह पी रहे हो, बाकी यार ये सारा खर्चा है तो इसके अलावा जो है आपको और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो लाइक ज़रूर करना, और मुझे अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं इंस्टा पे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, और इफ़ यू लाइक शेयर ज़रूर करना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।